नमस्कार दोस्तों, मैं शायन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूनिवर्सिटी टेक्निकल के वीकली लाइव टेक न्यूज में। आज है आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल के टेक न्यूज और बहुत ही इंटरेस्टिंग है टेक न्यूज, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए दोस्तों, कि अब से जो है टेक न्यूज शनिवार करके आएगा और लाइव सेशन जो है वो संडे यानी कि रविवार को जो है ये आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों वो है रिलायंस जियो के बारे में। रिलायंस जियो ने जो है अपना जीएसटी ऑफर जो है वो लॉन्च कर दिया है दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है। अगर आपको अभी भी जो है ऑफर क्या है वो नहीं पता है तो आप प्लीज जाइए ऊपर आई बटन में, मैं जो है इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, तो जाके जो है आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में, तो जाके देख लीजिए। अगली जो न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों वो है एक कॉपीकैट नाम के मैलवेयर के बारे में। जो ये एक मैलवेयर है ये 14 मिलियन एंड्रॉयड डिवाइस में जो है ये अफेक्टेड कर चुका है दोस्तों। ये मैलवेयर बेसिकली आपके फोन में घुस जाएगा, घुस जाके जो है उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े ऐप्स जो है आपके फोन में इंस्टॉल कर देगा, और इंस्टॉल करने के बाद आपके फोन में काफी सारे ऐड वगैरह या सडनली कुछ जैसे पेजेस आ जाते हैं उल्टे सीधे एड्स के, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे और आप उस पर क्लिक करेंगे और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो इस मैलवेयर को जनरेट होगा और वो बड़े आराम से जो है रेवेन्यू अपने क्रिएट कर लेगा। तो मैं अब कहना चाहूंगा कि जो है संभाल के उल्टे सीधे ऐप जो है डाउनलोड मत कीजिए, आपका फोन जो है अफेक्टेड हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे अगली जो न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों वो है Honor 8 Pro के बारे में। Honor 8 Pro आपको तो पता ही है इंडिया में लॉन्च हो चुका है दोस्तों, और Amazon पे जो है ये मिल रहा है 29,999 रुपए का, और इसमें जो है प्रोसेसर है Honor का खुद का Kirin 690 वाला प्रोसेसर जो है 6GB रैम के साथ, 128GB स्टोरेज, डुअल कैमरा है, तो लेना हो तो ले सकते हैं, पर मैं तो कहूँगा भाई OnePlus ही जो है बेस्ट है, क्योंकि OnePlus अभी जो दे रहा है वो कोई नहीं दे रहा है मेरे मुताबिक। और अगली न्यूज जो निकल के आ रही है दोस्तों, कल से जो है मतलब कल जो गया है यानी कि 7 तारीख से जो है Nokia 5 का जो प्री बुकिंग है ऑनलाइन वो शुरू हो चुका है दोस्तों। ये फोन आपको एक्सक्लूसिवली जो है मिलना शुरू होगा Amazon.in पे, Amazon पे जो है ये फोन आपको मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो आप जाके जो है Amazon से इस फोन को ले सकते हैं, और इस फोन की कीमत जो है वो होगी 12,899 रुपए जो है इसका कीमत निकल के आ रहा है, और इसमें 7.1.1 का नोगट का सपोर्ट होगा और 5.2 इंच का IPS LCD डिस्प्ले जिसकी रेजोल्यूशन होगी 720x1280 पिक्सल्स। तो लेना हो तो लीजिए, Amazon पे मिल रहा है फोन, देख सकते हैं ट्राई कर सकते हैं, पर 12,000 के ऑप्शन में आपको और भी कई सारे अच्छे फोन मिल जाएंगे जहाँ तक है। ब्रांड का नाम लेके अगर बेचेंगे तो कोई नहीं खरीदने वाला। तो यहाँ पे अगली जो न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट ने जो है अपने विंडोज 10 का एक नया प्रीव्यू लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पे एजेस, नोटिफिकेशन, इनपुट बार, टक्स बार सबको जो है मैनेज करके एक इम्प्रूवमेंट के साथ जो है उन्होंने एक नया प्रीव्यू उन्होंने लॉन्च किया है। तो देखते हैं कि कैसा होता है प्रीव्यू। विंडोज 10 अभी जो है उससे बेटर है कि ऑब्वियसली बेटर ही होगा क्योंकि काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं। क्या इम्प्रूवमेंट्स वो हम लोगों को पसंद आता है वो ही देखने की बात है। यहाँ पे जो अगली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों वो है MIUI 9 के बारे में। MIUI 9 जो है आने वाला है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, और इसका रिलीजिंग डेट जो निकल के आ रहा है वो है 16 अगस्त को। MI ने जो है कंफर्म किया है 16 अगस्त को आपको MIUI 9 का जो अपडेट है वो मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अभी जो है 7.0 नोगट का अपडेट MI के काफी सारे डिवाइस में मिलने शुरू हो गए। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके फोन में, अगर आपका फोन MI है और आपके फोन में अगर MI का अपडेट मिलना शुरू हुआ है कि नहीं। यहाँ पे अगली जो न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों पोकेमॉन गो के बारे में। पोकेमॉन गो तो मतलब क्या बोल सकते हैं, वो 4 दिन चला था उसके बाद बस अंधेरा ही अंधेरा छा गया पोकेमॉन गो को। मैंने एक बार ही ट्राई किया है, मैंने भी जो है इस गेम को एक बार खेला हुआ है, काफी अच्छा नहीं लगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पोकेमॉन गो की 1 साल जो है कम्प्लीट हो चुकी है, फर्स्ट एनिवर्सरी। यहाँ पे काफी सारे जो है कुछ टूल्स वो देने वाले हैं, हालांकि टूल्स फ्री में नहीं होंगे, आपको पैसे देने होंगे, पर कुछ एक्स्ट्रा जो है अपडेट वगैरह कुछ आएंगे जिससे जो है आपको शायद गेम को खेलने में और थोड़ी सी इंटरेस्ट जो है पैदा हो सकती है दोस्तों।
तो यहाँ पे अगली जो न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों वो है नोकिया 3310 के बारे में। तो यहाँ पे पुतिन ट्रंप जो एक एडिशन जो है नोकिया ने लॉन्च करने का सोच रहा है, ये लिमिटेड एडिशन होगा जिसका कीमत होगा 2468 डॉलर। ठीक है, कुछ खास नहीं है इस फोन में, आपको 4G वोल्टी वोल्टी कुछ का सपोर्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ इसमें डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जो है उनका बैक पीछे की तरफ उनका इमेज जो है मिलेगा, और बस यही है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के फैन हैं, अगर पुतिन के फैन हैं, तो जाइए जाके आप ले सकते हैं, ये लिमिटेड एडिशन लिमिटेड लोगों के लिए है, देखते हैं कौन लेता है। यहाँ पे अगली जो न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों वो है इंडिया जो साइबर सिक्योरिटी है दोस्तों उसमें 23 पे जो है रैंक कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया साइबर सिक्योरिटी में 23वें नंबर पे रैंक कर रहा है। इसका भी कारण अगर हम लोग देखने जाए तो इंडिया के काफी सारे ऑफिसेस वगैरह हैं जहाँ पे विंडोज या वगैरह के जो पायरेटेड वर्जन हैं उनको काम में लिया जाता है काम करने के लिए। अभी तक जो है जेनुइन जो डिशेस वगैरह हैं उनको नहीं यूज कर रहे हैं लोगों, क्योंकि तो पैसों के लिए। तो आशा करते हैं कि इंडिया 10 नंबर, पहले 10 नंबर में आए, उसके बाद जो है 1 नंबर पे आ जाए। यहाँ पे अगली न्यूज जो निकल के आ रही है दोस्तों वो है नोबिया M2, जो नोबिया का जो एक स्मार्टफोन है आप लोगों को तो पता ही होगा, तो उसने एक नया फोन लॉन्च कर दिया है M2 नाम का, जिसका कीमत है 22,999 रुपये। तो ये बेसिकली ये अमेजोन पे अवेलेबल है, ठीक है, और 10 जुलाई से मिलना शुरू होगा ये फोन, और इस फोन की कीमत जो है निकल के आ रही है दोस्तों वो है 22,999 रुपये। यहाँ पे जो है आप लोगों को डुअल कैमरा का सपोर्ट मिलेगा, और इंटरेस्टिंग बात जो है डुअल कैमरा में बैक कैमरा जो है वो है 13 मेगापिक्सल का सोनी का CMOS सेंसर वाला, और फ्रंट कैमरा जो है वो है 16 मेगापिक्सल का, ये जो है 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है दोस्तों। बैक कैमरा की बात करें तो F2.2 अपर्चर है, और फ्रंट कैमरा क्या है 2.0 अपर्चर, और वही बेसिक सब जो हार्डवेयर है 5.5 इंच का डिस्प्ले स्नैपड्रैगन 625 के साथ जो है ये फोन आने वाला है, और एड्रीनो का 506 GPU। अगर आप लेना चाहते हैं 22,000 में ये फोन, तो 10 जुलाई से जो है इसका सेल अमेजोन पे मिलना शुरू हो जाएगा, आप जाके जो है ले सकते हैं। यहाँ पे अगली और लास्ट न्यूज जो निकल के आ रही है दोस्तों वो है नोकिया के बारे में। नोकिया 8 जो है स्मार्टफोन, बहुत ही हम लोग सुन रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, ये इमेज लीक क्या रही है, लीक हो क्या रही है, तो यहाँ पे एक और इमेज जो है बैक साइड से वो लीक होके आई है दोस्तों। तो कहा जा रहा है कि ये नोकिया का एक किलर फोन साबित हो सकता है, और काफी सारे फोन को अगर पंगा ले सकता है, पर मैं फिर से बोलना चाहूंगा अगर ब्रांड के नाम पे बेचते रहे तो कुछ नहीं होगा, चीजें लाओ अच्छी तो कुछ हो सकता है। सुनने में आ रहा है कि ये फोन स्नैपड्रैगन 835 के साथ आने वाला है, और 6 GB RAM के साथ आने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। 14 मेगापिक्सल का कैमरा, 14 और 8 मेगापिक्सल का कैमरे के साथ जो है ये फोन आ सकता है दोस्तों। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अगर ब्रांड के नाम पे बोलते रहे तो कुछ नहीं होगा, अच्छी चीजें लाओ अच्छी चीजें दिखाओ, बिल्कुल सभी लोग प्यार करेंगे नोकिया जैसे थे, सभी लोग जो है लेंगे। तो यही थे कुछ आज के वीकली टेक न्यूज जो मैंने आपको दे दिए हैं दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीकली टेक न्यूज का जो सीरीज है ये आपको अच्छा लग रहा है। मैंने पहले बोला था कि रेगुलर बेसिस पे आएगा, पर अभी जो है मेरे एग्जाम वगैरह आने वाले हैं तो रेगुलर बेसिस पे मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं हो रहा मुझसे, तो बाद में इसको जरूर वीकली से पर डे जो है इसको ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी सवाल है सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसी ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।